नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा या जेल परीक्षा भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान के कुछ मुख्य मुख्य करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके से संबंधित दोस्तों अपन 200 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें अपन पहले वीडियो में हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों आज का पहला सवाल है, राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में टेली मेडिसिन सेवाओं की निगरानी के लिए किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। दोस्तों राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, दोस्तों उसका नाम है निदान सॉफ्टवेयर, जो कि दोस्तों 23 मई 2018 को राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में टेली मेडिसिन सेवाओं की निगरानी और मजबूती के लिए निदान नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा ज़िला है जहाँ राजस्थान की प्रथम रोपवे सेवा प्रारंभ की गई। दोस्तों जो ज़िला है वो जालौर ज़िला है, जहाँ राजस्थान की प्रथम रोपवे सेवा प्रारंभ की गई। दोस्तों जो राजस्थान का दूसरा रोपवे है वह उदयपुर ज़िले में है, तथा जो राजस्थान का तीसरा रोपवे है वो पुष्कर अजमेर ज़िले में है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा, वह है हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों को किस भाषा में ईमेल आईडी सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों जो ईमेल आईडी की सुविधा है वो भाषा दोस्तों हिंदी है, यानी राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों को हिंदी भाषा में ईमेल आईडी प्रदान करने की सुविधा की है। दोस्तों ये दिसंबर 2017 में राजस्थान कैबिनेट में अपने नागरिकों को हिंदी में ईमेल आईडी की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई गुरु ज्ञान शिष्य कार्यक्रम का संबंध है। तो दोस्तों इसका संबंध कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों से है। दोस्तों ये दिसंबर 2017 में राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने गुरु शिष्य नामक संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये कार्यक्रम सभी जिलों में नोडल कॉलेजों में छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं के समाधान हेतु गुरु शिष्य कार्यक्रम किया गया। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक गायिका मांगी बाई का संबंध किस जिले से है। दोस्तों मांगी बाई का जो संबंध है वो प्रतापगढ़ जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मांगी बाई के संबंध में, इनका निधन नवंबर 2018 में राजस्थानी लोक गायिका मांगी बाई का, दोस्तों सॉरी नवंबर 2017 में ही राजस्थान की लोक गायिका मांगी बाई का जन्म 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और दोस्तों जो मांगी बाई है वो मूलतः प्रतापगढ़ जिले की पारंपरिक संगीत परिवार से है, और ये मांड गायकी से संबंध है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन सेवा प्रारंभ की गई। दोस्तों ये जो मोबाइल एप्लीकेशन सेवा है वह दिशारी, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन सेवा प्रारंभ की है उसका नाम है दिशारी। नवंबर 2017 में दोस्तों राजस्थान सरकार ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु नई मोबाइल एप्लीकेशन सेवा प्रारंभ की गई थी, इसमें विभिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रथम कंपनी है। दोस्तों राजस्थान में इंटरनेट प्रदान करने वाली जो प्रथम कंपनी है वो है इंफोसिस। राजस्थान में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रथम कंपनी इंफोसिस है, जिसने अप्रैल 1999 से ये सेवा राजस्थान में प्रारंभ कर दी थी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है अपन को, दोस्तों आठवां, ग्रेट इंडियन बर्ड यानी गोडाउन के लिए आरक्षित क्षेत्र सोनखलिया किस जिले से संबंधित है। तो ये जो क्षेत्र है वो अजमेर जिले से संबंधित है। दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है, और इसे स्थानीय भाषा में माल मोरडी भी कहते हैं। ये पक्षी राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये सोरसन 12 सोखलिया अजमेर में भी गोडाउन पक्षी के लिए सुरक्षित घोषित किया गया है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को हाल ही में लागू करने वाला प्रथम राज्य है। दोस्तों जो इसको करने वाला जो प्रथम राज्य है वो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि राजस्थान भारत सरकार की राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में बायोफ्यूल प्राधिकार उच्चाधिकारी समिति की चतुर्थ बैठक में बायोफ्यूल नीति 2018 को प्रदेश में लागू करने का अनुमोदन किया गया था।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित विधेयक के तहत बच्चों से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया। इस विधेयक में बच्चियों की उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है? दोस्तों इसमें जो उम्र सीमा है वो 12 वर्ष है, यानी 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के तहत फांसी, उनके साथ दुष्कर्म के तहत फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों राजस्थान सरकार में बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए राज्य विधानसभा द्वारा मार्च 2018 में सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष या उससे कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की संज्ञा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के पहले कृषि वैज्ञानिक कौन है? यानी कृषि क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के पहले कृषि वैज्ञानिक, दोस्तों जो पहले कृषि वैज्ञानिक है वो है डॉक्टर बी.आर. छापा, जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति है डॉक्टर बी.आर. छापा, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई योजना का संबंध किससे है? दोस्तों अन्नपूर्णा रसोई योजना का जो संबंध है वो सस्ते दामों पर भोजन उपलब्ध कराने से है। दोस्तों दिसंबर 2016 में शुरू अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सस्ते दामों में भोजन की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों अन्नपूर्णा रसोई सबसे पहले अजमेर जिले से प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आश्रय योजना का संबंध किससे है? दोस्तों जो आश्रय योजना है उनका संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों अनाथ नवजात बालिका शिशु से संबंध है, आश्रय योजना अनाथ नवजात बालिका शिशु से। फेंके नहीं हम दे हमें दे थीम के तहत अनाथ बालिका शिशुओं को बिना व्यक्ति की पहचान बताए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जिला अस्पतालों में पालन घर के तहत रखेगी। यानी इसका जो थीम है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है, फेंके नहीं हमें दे। इस योजना के तहत सरकार ने शिशुओं को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जिला अस्पतालों के पालन घर में रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में चल रही उत्कर्ष परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों जो उत्कर्ष परियोजना का संबंध है वो सूचना प्रौद्योगिकी से है, यानी जो उत्कर्ष परियोजना है उसका संबंध सूचना प्रौद्योगिकी से है। उत्कर्ष परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी और प्रश्नोत्तरी आधारित अधिग्रहण प्रणाली के माध्यम से गुणवत्ता में परिवर्तन लाना, इसमें HDFC सरकार की मदद करेगा, यानी इस प्रणाली में HDFC बैंक जो है वो सरकार की मदद करेगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्सव भोजन योजना किस योजना का विस्तार है? यानी उत्सव भोज योजना है वो किस योजना का विस्तार है? दोस्तों ये योजना मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार है। उत्सव भोज मिड डे मील योजना का विस्तार है। कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार के निजी उत्सव के अवसर पर मिड डे मील में भोजन प्रदान कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान संकल्प पोर्टल को किस नाम से जाना जाता है? यानी ज्ञान संकल्प पोर्टल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के नाम से भी जाना जाता है। यानी ज्ञान संकल्प पोर्टल को मुख्यमंत्री विद्यादान कोष का उद्देश्य राज्य में सरकारी विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के व्यक्तिकरण की शुरुआत कहाँ से की गई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत झुंझुनू से की गई है। ये 8 मार्च 2018 को विश्व महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुनू से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वित्तीय चरण की शुरुआत की गई थी। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत कुपोषण की दर को 25 के स्तर पर लाने हेतु वर्ष निर्धारित है। दोस्तों 2022 है, यानी इस वर्ष तक कुपोषण की दर को 25 के स्तर से नीचे लाना है। 8 मार्च 2018 को कुपोषण को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था।
दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है वो 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। इसमें 2022 तक कुपोषण की दर को 38 से 25 के स्तर पर लाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा बाड़मेर की किस जगह पर तेल रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया था? दोस्तों जो जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने बाड़मेर में तेल रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया था, वो दोस्तों बाड़मेर में पंचपदरा नामक स्थान पर है। बाड़मेर की पंचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2018 को 43,000 करोड़ की तेल रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया था। दोस्तों दोस्तों ये रिफाइनरी 2022 तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार की जाएगी। ये BS6 नामक मानक वाली देश की पहली रिफाइनरी है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों जो इसकी स्थापना है वो जयपुर ज़िले में की गई है। केंद्र सरकार की पुलिस बलों के तहत आधुनिकीकरण की वृहद अम्ब्रेला योजना के तहत 2017 से 20 में जयपुर में सरदार पटेल एंटी टेररिज्म सेंटर की स्थापना की गई है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, सर्बिया में आयोजित 7 नेशन कप अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने जीता? दोस्तों इसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, सर्बिया में आयोजित 7 नेशन कप अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग में राजस्थान की अरुंधति चौधरी कोटा की है जो कि 60 किलोग्राम वर्ग में, तथा ललिता चूरू जो कि 64 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीती थी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से? दोस्तों जो अवनी लखेरा है इसका संबंध निशानेबाजी से। अवनी लखेरा ने 61वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता केरल में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 39 पदक जीते, पदक जीतकर 5वां स्थान प्राप्त किया था। हरियाणा का इसमें प्रथम स्थान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में कितने व्यक्तियों को 26 गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसमें राजस्थान के 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जो कि दोस्तों राजस्थान में श्री नारायण दास जी महाराज और श्री रघुवर सिंह को जनवरी 2018 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति कन्वेंशन अवार्ड जनवरी 2018 में राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया? दोस्तों ये जो अवार्ड है वो भुवनेश राठौड़ को दिया गया है। भुवनेश राठौड़ कोटा के रहने वाले हैं, जिनको 22 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति कम्बेंडेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अपन अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके लिए राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।